सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मन। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में पहाड़ों पे। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के।
केदारनाथ जी आ गए। बद्रीनाथ, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर। दिमाग में होनी चाहिए।
और मत छेड़ दम। और अभी अभी तन्वी के पैर में कंधा चुप गया है और अभी इसके पापा उस कंधे को निकाल रहे हैं। फाइनली हम तोहाना पहुंच गए हैं और हमारी यात्रा बहुत सफल रही। बाय बाय।